मैं इस वक्त मयूर विहार के एक छोटे से मार्केट में आया हूँ क्योंकि मुझे सबवे से खाना था। काफ़ी टाइम से इच्छा हो रही थी कि सबवे का खाऊं, बट मौका नहीं मिल पाया इतने दिन से क्योंकि सैटरडे और संडे को कर्फ्यू लगा था दिल्ली में, तो कहीं जाने का मौका नहीं मिल पाया। तो आज मंडे है और कल से फिर लॉकडाउन लग रहा है एक हफ्ते के लिए, तो कल से लेकर अगले मंडे तक लॉकडाउन लगा रहेगा दिल्ली में, तो मैं कहीं जा नहीं पाऊँगा। थोड़ा सा स्पाइसी कर देना। हाँ तो भाई, अभी कुछ दिन पहले मेरा पेट भी ख़राब हो गया था बहुत सारा बाहर का खाना खाने की वजह से, तो अभी मैंने सोचा कि कुछ हेल्दी खा लेते हैं क्योंकि सबवे मेरे को थोड़ा हेल्दी लगता है और इसमें कुछ तला हुआ नहीं होता, सिर्फ सब्जियां होती हैं और सॉसेज होते हैं और ब्रेड होता है। अच्छा, कल मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ा था इंटरनेट पर, उसमें लिखा हुआ था कि ये कोविड के केसेस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। वैसे तो मैं ऐसे आर्टिकल्स पढ़ता नहीं हूँ, बट कल ऐसा दिख गया तो मैंने सोचा खोल के देखते हैं। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जनवरी फरवरी के महीने में व्हेन द केसेस स्टार्टेड टू कम डाउन एंड द लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन स्टार्टेड टू ईज आउट, तो उस वक्त पीपल वर स्प्रेडिंग आउट लाइक हेल एंड लोग बिना मास्क के घूम रहे थे इधर उधर, और ये चीज़ मैंने भी देखी है, लोग बिना मास्क के इधर उधर घूम रहे थे और पार्टियां कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या है कि वो जो वायरस है वो म्यूटेट हो गया और वो ज़्यादा लोगों में फैलने लगा। ये जो नया स्ट्रेन है ये बहुत ज़्यादा डेडली है क्योंकि ये बहुत लोगों में फैल रहा है। तो अभी तक तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग रहा था रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक, लेकिन अभी सैटरडे संडे वीकेंड कर्फ्यू भी लगा और कल से एक हफ्ते तक लॉकडाउन है पूरा। पता नहीं कब तक ये ठीक होगा, और जितनी जल्दी ठीक हो उतना अच्छा है। वो भाई, मैं अभी एक मार्केट से गुजर रहा था और वहाँ पे इतने सारे लोग फैले हुए हैं पूरे मार्केट में, इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मतलब पूरा मार्केट भरा हुआ है लोगों से और ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी भरकम सेल लगी हुई है जो आज ही रात को ख़त्म होने वाली है। तो इतने सारे लोग हैं मार्केट में, पता नहीं यार ये नाटक कब ख़त्म होगा। पिछले साल भी जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था तब भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और अभी भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। खैर, मैं इस वक्त वो मार्केट, मैंने सब्जी खा लिया है और अभी मैं दूसरे मार्केट आया हूँ, मेरे दोस्त को कुछ चाहिए था सामान यहाँ से, वो लेने आया हूँ, तो वो सामान लेके फिर मैं घर जाऊँगा। दोस्त बहुत मेहनत कराई है आपने। ओ माय गॉड, बाहर इतना केओटिक एनवायरनमेंट है, इतनी ज़्यादा भसड़ है ना बाहर, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज आखिरी दिन है बाहर निकलने का। मतलब लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा कि जो एसेंशियल सर्विसेज वाली चीज़ें हैं जैसे घर का जो सामान है वो आप कल भी ले सकते हो, परसों भी ले सकते हो, पूरे हफ्ते वो दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन लोगों को समझ में आए तब ना। ज़िंदगी भर की शॉपिंग आज ही करनी है इनको। खैर, मैं आ गया हूँ अपनी सोसाइटी में और दोस्त को जो सामान पकड़ाना था वो भी मैंने पकड़ा दिया उसको, और उम्मीद तो यही है कि एक हफ्ते बाद केसेस अगर कम हो जाए तो लॉकडाउन खुल जाएगा, नहीं तो फिर पता नहीं, एक हफ्ते बाद जो माहौल होगा उसके हिसाब से एक्सटेंड भी हो सकता है। अगर केसेस कम नहीं हुए, वर्स होते गए, तो एक्सटेंड भी हो सकता है लॉकडाउन, तो कोई भरोसा नहीं है क्या होगा। और मैं आपको दिखाना भी चाहता था कि मार्केट में क्या माहौल है, बट दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं खुद बाइक में था। तो अब पता नहीं कब दोबारा बाहर जाने का मौका मिलेगा, तो तब तक के लिए कीप वॉन्डरिंग ओनली एट योर होम्स। यू कैन इवन वॉन्डर विथ मी इनसाइड योर होम्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम एंड स्टे सेफ। हाउ लॉन्ग विल कोविड लास्ट? भैया, इसका आंसर तो मेरे को भी नहीं पता है, काफ़ी कठिन सवाल लग रहा है। अगर आप में से किसी को पता है तो कृपया करके कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ।